पूरी यात्रा के जो कार्यक्रम है उसका अंतिम दिन कल है, कल समापन होगा। आज अभी यहाँ है और कल आरा से निकलकर मूर्था जाएंगे, जहाँ जगदेव बाबू, शहीद जगदेव बाबू का नमन करेंगे और फिर वहाँ कार्यक्रम का समापन होगा। हम यहाँ आए हैं जगजीवन बाबू को याद करने के लिए। जगजीवन बाबू ने न सिर्फ इस देश को आज़ादी दिलाने में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया, बल्कि बाद में चलकर इन्होंने देश की बड़ी सेवा की। सुदूर गांव से जिस रूप में निकलकर उस वक्त आगे बढ़े, कितनी कठिनाई का सामना जगजीवन बाबू को करना पड़ा होगा। आज भी अगर इस तरह से कोई व्यक्ति सुदूर गांव से जिस तरह से जिस परिवार से शोषित पीड़ित थे, दबे कुचले परिवार से आते थे जगजीवन बाबू सामाजिक रूप से, आज भी उस परिवार से कोई नौजवान अगर आगे बढ़ना चाहता है तो उसको कितनी कठिनाई आज भी होती है, उस वक्त तो सोचा भी नहीं जा सकता है कितनी कठिनाई का सामना उनको करना पड़ा होगा। लेकिन उन कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने अपनी प्रासंगिकता जीवन के अंतिम क्षण तक बनाए रखी। भारत सरकार में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने का भी गौरव प्राप्त हुआ उनको, और जब तक रहे तब तक उनकी अहमियत समाज में, देश में बनी रही। अपनी प्रासंगिकता उन्होंने साबित किया था, मेहनत करके हर तरह से उन्होंने साबित किया और उस रूप में बने रहे। हम सब लोगों को उनसे प्रेरणा गर्व करनी चाहिए। हम भी आए उनको याद करते हैं तो उनसे निश्चित रूप से प्रेरणा मिलती है। भाई बहन तो हम चले हैं यहाँ महापुरुषों का नमन करने के लिए, वही हम कुछ राजनीतिक परिस्थिति है जिस परिस्थिति पर भी हम चर्चा करने के लिए आए हैं कि आपके निर्णय से पार्टी कमजोर हो रही है, बर्बाद हो रही है। आप नहीं मान रहे हैं तो आपकी पार्टी है, आप जो करिए, आप जहां ले जाइए, राष्ट्रीय जनता दल के हवाले आप करना चाहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में गिरवी रखना चाहते हैं पार्टी को, तो रख लीजिए, आपकी पार्टी है, आपकी मर्जी। लेकिन दूसरा जो आपका निर्णय है, जब राष्ट्रीय जनता दल वाले लोगों के हाथ में हम बिहार को बंधक रखेंगे, बिहार को गिरवी रखेंगे, तो हम लोग इसको नहीं बर्दाश्त करने वाले। हम लोग ने कहा इसको हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। पार्टी आपकी थी, आपने जो की, हालांकि पार्टी जो कमजोर हो रही थी उस वक्त आप बोल रहे थे तो शायद नीतीश जी को क्या लग रहा था पता नहीं, वही जाने। लेकिन आज तो साफ साफ दिख रहा है, जब से पार्टी से और हमारे साथी अलग हुए हैं उसके बाद से रोज पार्टी से लोग अलग हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले देखा सब लोगों ने, श्रीमती मीना सिंह जो पार्टी की वरिष्ठ नेत्री थी, उन्होंने ठीक वही कारण बताया पार्टी छोड़ते समय, जिन कारणों की चर्चा हमने की, जो बात हमने कही पार्टी छोड़ते समय, ठीक वही बात उन्होंने भी कही। तो इस तरह से एक से एक लोग पार्टी छोड़ते चले जा रहे हैं और पार्टी निश्चित रूप से हर जगह, हम तो जहां जा रहे हैं, हमारे साथ आज भी इस जिला के 100 साथी जनता के यूनाइटेड में विभिन्न पदों पर थे, सक्रिय थे, सब लोगों ने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया और हमारी पार्टी की सदस्यता आज एक कार्यक्रम में जगदीशपुर में उन लोगों ने सदस्यता स्वीकार की जगदीशपुर के पहले। तो इतने लोग हर जगह, जहां भी हम जा रहे हैं, हर जिला में जनता में यूनाइटेड का गुणवा पूरा का पूरा शिफ्ट करके हम लोगों के साथ आ रहे हैं। तो हमने कहा था नीतीश जी को, नीतीश जी नहीं माने, उसका परिणाम इस रूप में हो रहा है आज, जनता दल यूनाइटेड अब सीधे एक खाली डब्बा की तरह बच गया है, उसका कुछ बचा नहीं है। तो खैर उनकी मर्जी, पार्टी की दुर्दशा खुद ही उन्होंने इस रूप में बना ली। लेकिन अब बिहार को, जब कहा कि बिहार को हम पीछे लौटाएंगे, बिहार को हम आरजेडी वालों के हाथ में बंधक रखेंगे,
तब हम लोगों ने कहा कि हम इसको तो नहीं स्वीकार कर सकते, और इसलिए हम आप सब लोगों के बीच आए, हम आग्रह करने के लिए आए कि नीतीश जी ने जिद छान ली, किसी भी तरह से उनकी कोशिश है कि फिर से बिहार को 2005 और उसके पहले जिन लोगों के हाथ में बिहार बर्बाद हो रहा था, उन्हीं के हाथ में उसी परिवार में बिहार को फिर से सौंपने की बात नीतीश जी ने ठान ली है। हम आपसे आग्रह करने आए हैं, हम लोग आए हैं इस संकल्प के साथ है, और जगजीवन बाबू के स्मारक पर फिर से उस संकल्प को हम दोहराते हैं, हम दोहराने के लिए आए हैं। हम लोगों का संकल्प है कि चाहे जिस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़े हम करेंगे, लेकिन बिहार को फिर से राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में हम बंधक नहीं होने देंगे, बिहार को हम पीछे नहीं करेंगे। विरासत वाकई आज खतरे में है, उस विरासत को बचाने का काम करना है। देखिए, देश की राजनीति हो या बिहार की राजनीति हो या किसी राज्य की राजनीति, जनता जिसको आशीर्वाद देती है वह व्यक्ति जनता की सेवा में लगता है। डेमोक्रेटिक स्टेट हमारा है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, इसमें जिसको जब जनता आशीर्वाद दे वही देश की सत्ता में बैठता है, वहां से उसको एक सेवा करने का अवसर मिलता है। भाई और मित्रों, उसको लगता है कि हिंदुस्तान में चाहे केंद्र में बैठा हुआ कोई व्यक्ति पहले जिसको देश की जनता ने मौका दिया हो, या किसी भी राज्य में जिनको भी मौका यहाँ के लोगों ने दिया होगा, शायद ही कोई सत्तासीन व्यक्ति होगा जिसने जानबूझकर जिस राज्य या देश की सेवा के लिए जनता ने उनको मौका दिया, जानबूझकर कोई ऐसा नहीं करेगा कि हमको मौका मिला बिहार को आगे बढ़ाने का, देश को आगे बढ़ाने का, और हम सत्ता में रहते हुए कोई ऐसा निर्णय कर ले जिससे बिहार या देश जो आगे बढ़ रहा था आगे बढ़ने के बजाय पीछे जाने लगे। जानबूझकर कोई भी सत्ता पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, लेकिन एक उदाहरण हमारे सामने है अभी वर्तमान, उसको लगता है कि नीतीश कुमार जी इस देश में पहला उदाहरण है जिन्होंने खुद ही ऐसा निर्णय लिया, जानबूझकर निर्णय लिया, जिस निर्णय के कारण बिहार जो आगे जा रहा था अचानक से पीछे बिहार को करने का निर्णय उन्होंने कर लिया। बिहार निश्चित रूप से नीतीश जी के नेतृत्व में चल रहा था, आगे जा रहा था, लेकिन अचानक से उन्होंने फैसला ले लिया कि बिहार वो हम आगे नहीं बल्कि 2005 जहां से नीतीश कुमार जी ने शुरुआत की थी, जहां से चले थे नीतीश कुमार जी, फिर से वही बिहार को पहुंचाने का, पीछे लौटाने का डिसीजन नीतीश कुमार जी ने कर लिया। जब नीतीश कुमार जी ने कहा कि अब 2005 या उसके पहले जो लोग भी बिहार की सत्ता पर बैठकर बिहार की दुर्दशा के कारण थे, उन्हीं के हाथों में बिहार की गद्दी को फिर से सौंपने की बात नीतीश कुमार जी करने लगे, मैं समझता हूं देश कि किसी राज्य में हो या देश में हो वो पहला उदाहरण होगा जब किसी व्यक्ति ने ऐसा निर्णय जानबूझ कर लिया। लेकिन ले लिया निर्णय, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि नहीं नीतीश जी ऐसा कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 2005 के पहले जो लोग सत्ता में बैठे हुए थे, एक परिवार की सत्ता थी, एक परिवार की सरकार थी, और वह परिवार भी ऐसा परिवार जिसने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखा बिहार को बर्बाद करने के, खुद को आबाद करना, बिहार को बर्बाद करना राष्ट्रीय जनता दल वालों की नियति थी, और उसके हाथों में नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम सौंप देंगे फिर से। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, नीतीश जी ऐसा मत कीजिए, बिहार के लोगों ने आपको ताकत ही इसीलिए दी थी
या आपने उन्हीं के खिलाफ उसी कुशासन के खिलाफ अभियान चलाया था, संघर्ष किया था, इसलिए बिहार के लोगों ने आपके हाथ में ताकत दी, बिहार को सौंप दिया बिहार के लोगों ने आपके ऊपर। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि बिहार को हम फिर वही ले जाएंगे जहां से हमने शुरू किया था। तो हमने बहुत प्रयास किया, हमारे साथियों ने भी, सब लोगों ने मिलकर बहुत प्रयास किया, लेकिन नीतीश जी नहीं माने। जब नीतीश जी नहीं माने तो हम सब लोगों ने कहा कि देखिए अब जनता ने